हेलो फ्रेंड्स, स्प्लिट एसी में पाइपिंग का काम करते वक्त जब हम दीवार में होल गिराते हैं तो कई बार दीवार में पिलर या कंक्रीट का कोई हिस्सा जब आ जाता है तो हम उसमें होल नहीं गिरा पाते, तो उस वक्त हमें बहुत दिक्कतें होती है और हमारा कोई भी मशीन उसमें काम नहीं करता है। तो कंक्रीट के हिस्से में होल गिराने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता होता है, कोर कटिंग का। तो इस वीडियो में हम कोर कटिंग के बारे में देखेंगे। कोर कटिंग की जो मशीन है उससे होल गिराने के लिए हमें उस जगह से करीब 1 फुट की दूरी पर एक दीवार में 12 mm का एक होल गिराना होता है आर पार। यहाँ पर हमने जो पहले एक होल गिराया था वो पीछे की तरफ से दिक्कत कर रहा था, तो उसको छोड़ के हमने दूसरी जगह पर एक होल गिराया और उस पर अभी इस मशीन को हमने फिटिंग किया हुआ है। इस दीवार में हम पाइपिंग के लिए 3 इंच का होल करने वाले, तो हमने इस मशीन में जो बीट लगाया है उसकी साइज़ भी 3 इंच है और काफ़ी है इतना। ड्रिल बिट को ठंडा रखने के लिए हमें उसके ऊपर लगातार पानी का स्प्रे करना होता है। उसके लिए हमने एक पंप लगाया हुआ है और उसको हमने इस बकेट में अंदर रख दिया है। कोर कटिंग मशीन किस तरह से काम करती है यह जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत काम का है। इस मशीन से जो होल गिरता है वह बहुत ही अच्छी फिनिशिंग वाला होता है। यह ज़रूरी नहीं है कि हम इस मशीन से सिर्फ कंक्रीट या सलिए वाले हिस्से में ही हम कटिंग करें, हम कोई भी किसी भी तरह की दीवार में इससे होल गिरा सकते हैं। यह मशीन बीच में आने वाले सलियों और पत्थरों को भी काट लेता है।